नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड कार्यालय के सामने सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की उप निरीक्षक नई नियमावली भर्ती प्रक्रिया के नियमानुसार मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को 5% पद न देने के संदर्भ में एक प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदेश भर से आए मृतक आश्रित उप निरीक्षक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। वह उनका कहना है कि 456 अभ्यर्थियों की सूची में से 29 पदों पर भर्ती कर समस्त आश्रितों अभ्यर्थियों का हनन किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2017 से अभी तक प्रत्यावेदन लंबित है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस कर्मियों ने रास्ते में ही रोक लिया था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हम सभी आश्रितों का प्रत्यावेदन तकरीबन 2017 से लंबित है, जिस कारण हम सभी और हमारे परिवार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाम है आपका? शुभम सिंह नाम है। आज आप पुलिस भर्ती प्रोन्नत विभाग के बोर्ड के आए हैं, ऑफिस आए, क्या मांगे आप? सर, हम लोग मृतक आश्रित अभ्यर्थी हैं। हम लोग के यहाँ 1 जून 2018 से लेके 15 जुलाई 2019 तक की फाइल अधियाचन में ली गई, जिनको 456 वैकेंसियां दी गई हैं UPSI में। इसके पहले जो मृतक आश्रित अभ्यर्थी होती थी, पूरा ओल्ड नियमावली चलती थी, उसके बाद इन्होंने नियमावली लागू की है। इसमें 442 पद दिए थे इन्होंने 639 बच्चों पर, और इस बार इन्होंने 456 बच्चों पर मात्र 29 पद दिए हैं। और अभी हम लोग जाके, इसके पहले भी हम लोग आए थे ADG सर के पास गए थे, उन्होंने कहा था आपका लेटर हम DIG को फॉरवर्ड कर देते हैं। 2 महीना बीत गया, आज तक उसमें कुछ नहीं किया गया। आज हम लोग DG सर के पास आए थे, यहाँ से भी हम लोग को कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग बार बार RTI डालते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, और कहते हैं जाओ तैयारी करो, जो होना होगा 29 में होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और हम लोग शांतिपूर्ण बात रखना चाहते हैं, और कुछ भी सही आश्वासन नहीं दिया जाता है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। कहते हैं जाओ लेना हो सिपाही में ले लो, इसमें ले लो, उसमें ले लो। सर, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर शहीदी से, कहाँ कहाँ से आप लोग आए? हम लोग सर पूरे उत्तर प्रदेश से मृतक आश्रित अभ्यर्थी के रूप में आए हैं, काफी लोग आए हैं। सर, हम लोग में शहीद के विधवा भी आई हैं, शहीद के बच्चे थे वो भी आए हैं। हमारे हस्बैंड शहीद हो चुके हैं, अभी भी सारा समस्या हमारे सामने है। सफर की मुगल साहब पोस्टेड थे GRP में। उसके बाद यहाँ पे आप कब से दौड़ रही, क्या आश्वासन आपको मिला दिया? मैं 2 साल से दौड़ रही हूँ। आज आपकी क्या बात है? आज बात यही हुई कि आज के बाद मेरे सामने दिखाई कोई नहीं देना चाहिए, सीट 29 से 30 नहीं होगी। आपके परिवार का भरण पोषण किस तरह से हो रहा है? बहुत परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की लड़की है, 3 साल के लड़के हैं, सारी प्रक्रिया मेरे को कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? किस जिले से? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरे हस्बैंड के नाम अभिषेक प्रताप सिंह नाम था, जो कि उनको राग चला दिया गया, गोली भी चलाया गया, बहुत बेहमी से कत्ल कर दिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभा सिंह है। अधिकारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा उन्नाव के द्विवार्षिक अधिवेशन में आज जो नाम आए हैं, अध्यक्ष पद पर श्री SP सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी, मंत्री के पद पर श्री महेंद्र सिंह जी, संप्रेक्षक के पद पर श्री शरीफ जी, ये 4 नाम हैं। सभी पदों पर एक ही एक नाम आए हैं। सबके प्रस्ताव को समर्थक ने अपना प्रस्ताव और समर्थन दिया है, किसी पद पर दूसरा नाम नहीं है। इसलिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संविधान के अनुरूप अध्यक्ष पद पर श्री SP सिंह जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। मंत्री पद पर श्री महेंद्र सिंह जी अवशिष्ट, इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। संप्रेक्षक पद पर श्री शरीफ जी रोजेश, इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। बहुत बहुत बधाई दी गई हमारे साथियों को, और इसके साथ एक मेरे पास प्रस्ताव और है, अगर आप लोग इसके समर्थन में हैं तो इसी के साथ श्री अशोक सिंह जी और हमारे आनंद सिंह जी जो यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD News।